ये वेव ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक वेव है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है और उसकी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेवलेंथ ये सारा दिया हुआ है। तो कोरस्पोंडिंग एक्सप्रेशन मतलब उसका हमें इक्वेशन निकालना। तो जनरल इक्वेशन वेव का क्या होता है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। इस इक्वेशन को इस रिक्वायरमेंट के फॉर्म में आएंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये इक्वेशन अलग दिख रहा है और ये इक्वेशन अलग दिख, इसको इसके जैसा दिखाओ। तो इसको ऐसे जैसा दिखाएंगे, ए साइन ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई टी, के की वैल्यू 2π लैम्डा और एक्स बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए साइन 2π यहाँ से कॉमन ले लोगे तो फ्रीक्वेंसी ft माइनस एक्स अपॉन लैम्डा ये अब इसके जैसा दिखने लगा। और आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये इक्वेशन कभी भी किसी भी कंडीशन में सही नहीं हो सकता। ये जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस में वेव जा रही है, ये भी निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, मतलब या तो ये वाली सही है या तो ये वाली सही है। और ये कभी सही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ देखो 2π है, 2π लगा हुआ और यहाँ एक 2 उड़ा दिया है, तो 2 उड़ा दिया तो ये भी सही नहीं है, ये ही सही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बड़ा ज़्यादा इच्छा होती है सॉल्व करने की तो सॉल्व कर ही लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका इस ओमेगा, चलो हाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया, तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, तो वेलोसिटी कितनी है 360 और लैम्डा कितना है 60, तो 0 ने 0 को और ये 6, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 6 हर्ट्ज बराबर है। लैम्डा, तो लैम्डा आपको 60 दिया हुआ है तो वैल्यू डाल दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का देखो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 60, तो ये सारी वैल्यू उठा के डालोगे तो अपना सी ऑप्शन सही है, फ्रीक्वेंसी 6 है। और ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ 2 उड़ा दिया है। चलो वीडियो